मदद की सख्त जरूरत है। हमारी टीम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। टेक पोजीशंस, कीप कवर। क्लियर है सिरोही। बेताल पहाड़ में काला साया है। बेताल दादो ना। तुम्हें लगता है वहां अंदर सेफ है? Hi, hello, namaskar. You all are watching Punjab Kesari and this is Namita Sushdev with you. So today we have with us three very talented actors. उनकी तारीफ मैं जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि वो सारे कामों को मैनेज करना जानते हैं। एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो या फिर ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ना हो, वो सब कुछ जानते हैं। So let's welcome विनीत कुमार सिंह, अहाना कुमरा एंड जितेंद्र जोशी। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू नमिता। So Ahana, starting with you, the lady in red. First of all, you're looking very pretty, and then I want to ask you. मैंने आपकी वेब सीरीज देखी थी मर्जी, है ना? तो उसमें तो आपकी मर्जी नहीं चली, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ ना, मतलब सारी जो फाइट थी, लड़ना था ज़ॉम्बीज़ के साथ, वो सब। जी हाँ, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से ही हुआ है और बहुत मजेदार शो है ये, बहुत अलग शो है, एकदम हटके जैसा हम लोग कहना चाहेंगे। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा शो बना है। हम लोग पहली बार, वो जो होता है ना कि पहला हमेशा स्पेशल होता है, और हम लोग कुछ बहुत ही स्पेशल चीज का अनुभव कर रहे हैं एंड हम लोगों ने उसका फर्स्ट हैंड अनुभव किया है। 2 महीने की शूटिंग के दौरान जो चीजें हम लोग ने एक्सपीरियंस की, हमारे मेकर्स पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने हमें चुना। हमारे प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स, इन्होंने हमें चुना। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम लोग इस शो का हिस्सा बने। मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हिस्टोरिकल शो होने वाला है ये। और इसमें सबका लुक, सबका कैरेक्टर इतना अलग है। मुझे लगता है कि जो विनीत ने प्ले किया है उन्होंने पहले कभी नहीं प्ले किया है, जो मैंने प्ले किया है कभी मैंने नहीं किया है, जो जीतू कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने कभी नहीं किया है। तो आई थिंक सबको एक मौका मिला है कुछ नया करने का। और एक्टर्स के लिए अनुभव सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग वैसे तो मैं अहाना हूँ, लेकिन मैं अहाना बनकर आलू आलिया बन सकती हूँ, मैं कभी समीरा चौहान बनती हूँ। हम इतनी सारी जिंदगियां जीते हैं एक इंसान बनकर, इतने सारे रूप बदलते हैं, निरंतर रूप बदलते रहते हैं, इतने सारे इमोशन, इतनी सारी भावनाओं को हम लोग एक साथ शेयर करते हैं। सो आई फील दैट ये एक्सपीरियंस हम सभी का, ये मैं बहुत ही सेफली कह सकती हूँ, सभी का सबसे इंटरेस्टिंग अनुभव रहा है और बहुत ही हिस्टोरिकल शो होने वाला है ये। एग्जैक्टली और एक्टर्स के पास ये प्रिविलेज होता है, मैं कहूंगी, कि वो सारे किरदारों को जी सकें पर्दे पर और सबको लाइक इंस्पायर कर सकें। विनीत, नाउ स्टार्टिंग विद यू, अगर बात करें तो आपने तो डायरेक्टर साहब को सीधे ये बोल दिया होगा ना कि मुझे ज़ॉम्बीज़ से डर नहीं लगता साहब, लेकिन बॉक्सिंग से लगने लगा है, है ना? नहीं नमिता, ये शो बहुत ही यूनिक है कई मामले में, because Red Chillies is there, Blumhouse is there, SK Global Entertainment is there, और Netflix के प्लेटफॉर्म पे 190 देशों में जाएगा। और this time this sound का जो इम्पैक्ट होता है, एक हॉरर, अगर कोई हॉरर सीरीज या मूवी आप देखते हैं तो उसमें साउंड का बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर दैट यहाँ डॉल्बी विजन एंड एटमॉस टेक्नोलॉजी जो है उसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा इस बार। तो बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस शो को जो यूनिक बनाती हैं। जितेंद्र, आपको हम हीरो के रोल में देख चुके हैं, विलन के रोल में देख चुके हैं, कॉमेडियन के रोल में देख चुके हैं, तो ये नेवर सीन बिफोर अवतार में आपको देख रहे हैं। सो हाउ वाज लाइक चूजिंग दिस कैरेक्टर ऑफ योर्स इन बेताल? नहीं, ये मैंने चूज नहीं किया, ये रोल ने मुझे चूज किया है। मुझे एक्टरों को, अगर हाँ एक जरूर है कि एक्टर चूज करता है मतलब एक्टर रुकता है, तो मैं रुकना जानता हूँ। मैंने काटेकर के बाद मैं रुका रहा। मैंने कहा कि जो एक मुझे कोई ऐसा रोल मिले कि जो उससे थोड़ा सा हटके हो, तो थोड़ा सा हटके रहने की कोशिश में 2 साल रुकने के बाद मैं पूरा का पूरा हटेला रोल मिला मुझे। और मुझे नेटफ्लिक्स मुझे रेड चिलीज से फोन आया और मुझे ऑडिशन के लिए आने की भी कहा गया। और फिर हमारे जो दो निर्देशक हैं उनमें से पैट्रिक ग्राम साहब, उन्होंने मेरी ऑडिशन ली और शाम तक मुझे पता चल गया कि भाई मैं कर रहा हूँ। और तब मुझे ये नहीं पता था कि बाकी कौन क्या कर रहा है, लेकिन जब मैं एक तो रोल मुझे बड़ा पसंद आया, एक तो नेटफ्लिक्स पे कर रहा हूँ, ये रोल बहुत ही अजीबोगरीब रोल है, और फिर शाहरुख खान साहब रेड चिली, और फिर उसकी तो मैंने हामी भर दी। उसके बाद जब एक एक मतलब इसलिए तो आई एम सॉरी रोक रही हूँ यहाँ पे, इसलिए तो हामी नहीं भर दी ना कि बॉलीवुड के बादशाह का फोन आ गया तो मतलब हाँ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा वाला तो नहीं होता। नहीं, मैं उनसे प्यार बहुत करता हूँ, अगर उन्होंने कह दिया कभी कि भाई ये करना ही होगा तो मैं वो जरूर करूंगा, मैं उनको मना नहीं करूंगा, क्योंकि उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। तो लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ कि बॉलीवुड के बहुत बड़े एक दूसरे स्टार की फिल्म में एक मेन विलन के राइट हैंड का रोल, इतना ही कहा गया कि मेन विलन के राइट हैंड हैं आप, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो वो वाला प्रेशर मैं नहीं लेता हूँ बेसिकली। अगर मैं रुकना जानता हूँ तो मैं खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, आप शांति से रुको तो रुकने का फल मिलता है, और वो मुझे मिला। और ये बहुत ही अजीबोगरीब रोल है, ये मिला। और जब मुझे ये हामी भरने के बाद जब एक एक एक्टर मुझे पता चला कि विनीत कुमार विल बी प्लेइंग स्क्वाड के जो कमांडिंग ऑफिसर, उनका रोल। फिर आना आई, फिर सुची आ गई, फिर अंकुर विकल को देख लिया मैंने, सिद्धार्थ मेनन आ गया, मतलब। और फिर मजा आने लगा यार, मैंने यार ये कुछ टीम बनी है साली, ये तो इसमें तो जो मजा आने वाला है। और ना रिहर्सल के वक्त ये होता है ना, देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होता ही है, एक होता है झूठा रिस्पेक्ट कि जो हम लोग हेलो कैसे हैं आप, हाजी नमस्ते, ये सब करते हैं ना। हाँ, बहुत लोग करते हैं हम तो। और एक होता है रिस्पेक्ट की आंखों में नजर आता है कि अरे यार क्या बात है यार। तो वो वाला रिस्पेक्ट ना अपने आप वो आया। और सच बताऊं तो उस रिस्पेक्ट जो था ना, कभी कभी जिन लोगों को हम लोग चाहते हैं उनके करीब जाने के बाद हमको उनका असली रूप नजर आता है, तो फिर हमको दुख होता है। मैं बड़े खुशी के साथ कहूंगा कि मुझे दुख नहीं हुआ, और किसी एक दूसरे को किसी के बारे में दुख नहीं हुआ। तभी वही फल निकले कि जो अच्छे पेड़ों का नतीजा होते हैं, वही बहुत कमाल के मेहनती लोग, कमाल के अंदरूनी इंसान, कमाल के गो गिवर गो गेटर हैं सभी लोग। किसी के ऊपर साया नहीं। राइट फ्रॉम आवर प्रोड्यूसर टू आवर ईच एंड एवरी एक्टर, दे आर सेल्फ मेड पीपल। सो या सो मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। Of course, सब लोग सारे इतने हार्डवर्किंग हैं, and we have seen that struggle of each one of you। अगर हम बात करते हैं ना बॉलीवुड में सस्टेन करने के लिए, अगर मैं आहाना की बात करूं तो उनको तो वेब सीरीज की क्वीन कहा जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। Well, I want to know कि आप सबके चाइल्डहुड में, बचपन में बहुत सारी स्टोरीज होती है ना भूतों से जुड़ी, विश्वास किया, लाइक भूतों पर विश्वास करते थे आप सब तीनों? ये सवाल आप विनीत से करिए। हाँ, विनीत बहुत अच्छा बोलता है। आपकी कोई ऐसी स्टोरी? मैं बचपन में मेरे दादाजी के पेट पे बैठ, वो मुझे अपने पेट पे बिठा लेते थे, छोटा था, और कहानियां सुनाते थे। और जब हम सभी बच्चे लोग शरारत ज्यादा करते थे तो फिर वो भूतों की कहानियां सुनाते थे। ये सारे वो बैठे बैठे कहानियां बना देते थे और सुनाते थे। किसी भी पेड़ को भूतों का घर बना देते थे, किसी भी रास्ते को, किसी भी तालाब को भूतों का अड्डा बना देते थे। ओके। लेकिन मैंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि घोस्ट या इस तरीके की कोई चीज। हाँ, कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है या। और मुझे याद है बचपन में हम लोग, हाँ नमिता, हम लोग रामलीला देखने जाते थे। तो रात को जब रामलीला खत्म होती थी तो वापस आते थे, और एक इमली का पेड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा और बहुत पुराना। अच्छा। लोग बोलते थे कि उस इमली के पेड़ पे चुड़ैल है। अच्छा। तो इमली का पेड़ आने के काफी पहले सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और एक साथ जाते थे कि अगर चुड़ैल आएगी तो सबको एक साथ पकड़ेगी और सबको एक साथ पकड़ नहीं पाएगी तो निकल जाएंगे। मैं उस समय उस भीड़ से निकल जाता था इस चक्कर में कि मुझे चुड़ैल दिख जाए जब मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन मुझे दिखी नहीं कभी। तो वो कॉन्फिडेंस था आपके अंदर वो वाला, है ना, कि मुझे फेस करना है एक्चुअली। पता नहीं अंदर से ये था कि कभी आप लोगों ने कोई ज़ॉम्बी वाली इतनी सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ आप लोगों ने इसके लिए मतलब अपने अपने रोल्स को प्रिपेयर करने के लिए कोई ज़ॉम्बी वाली मूवीज देखी, कोई हॉरर मूवीज देखी ऐसी? मुझे निखिल महाजन और पैट्रिक ने मुझे कुछ फिल्में बोली थी तो उसमें मैंने ये देखी थी ट्रेन टू बुसान। हाँ, अच्छा, मैंने ट्रेन टू बुसान देखी थी। अच्छा, मैंने काफी ज़ॉम्बी मतलब मैंने काफी ज़ॉम्बी फिल्म्स देख रखी है। मुझे ज़ॉम्बीज का जॉनर बहुत पसंद है। ये होल आइडिया ऑफ अनडेड और ईरीनेस ये सब मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली हॉरर इज माय फेवरेट जॉनर। तो मैंने ट्रेन टू बुसान ही देखी थी इससे पहले, लेकिन अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार किंगडम भी देख लेना चाहिए जो नेटफ्लिक्स पर ही है। और कोरियंस की तरह जो ज़ॉम्बीज बनाते हैं शायद ही दुनिया में ऐसे। किंगडम का कीड़ा जो है ना, किंगडम में एक कीड़ा है जिसपे सीरीज अभी लास्ट सीजन खत्म हुआ है, वो अहाना की बॉडी में। अच्छा, नहीं मजाक नहीं कर रहे, वो अहाना की बॉडी में महीनों रहा है, महीनों। Can you believe? और वो ट्रैवल करता था इधर से किधर ट्रैवल किया बताओ। So, एक्चुअली बेताल की शूट के टाइम ही हम लोग जंगलों में शूट कर रहे थे और मेरे राइट साइड ऑफ माय फेस उसमें प्रोस्थेटिक्स था। Yes, तो एक्चुअली 46 डेज मेरा प्रोस्थेटिक्स मेरे मुंह पर रहा एंड मैंने ये बात अभी तक बोली नहीं है बट तो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग को ब्रेक मिला था एक आई थिंक एक हफ्ते का दूसरा स्केड्यूल शुरू होने वाला था। मैं जैसे घर आई मुझे लगा कि मेरी आंख में स्वेलिंग है और वो स्वेलिंग लिटरली एक हफ्ता चली। मतलब एक हफ्ते से नहीं, आई थिंक हम लोग को 2 हफ्ते का ब्रेक मिला था ना, या आई थिंक वो एक हफ्ता वो स्वेलिंग कम होते होते लाइक लिटरली 5-6 दिन 4-5 दिन हो गए। और उसके बाद जब वो स्वेलिंग चली गई तो मुझे दिखा कि देयर वाज अ वर्म दैट वाज इन माय आई एंड मुझे बताया गया मेरी जब मैं डॉक्टर्स को मिली तो मैंने उनको बोला कि व्हाट इज दिस। तो फिर उन लोगों को किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, ना मेरे ऑप्थैल को दिख रहा था ना स्किन डॉक्टर को समझ में आ रहा था। And there was actually a worm that grew in my eye, and that worm traveled from my eye till यहाँ तक travel किया I think, and जब वो worm मेरी आँख में आया I remember that I had to continue shooting because there was no other way because सबकी dates available नहीं थी but because it was not fully visible I had to continue shooting और मेरा यहाँ पर prosthetic patch था तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो worm कहाँ गया। और I think 1 महीने के बाद there was a cyst that formed under my chin और उसको they had to remove it surgically और 4 टाँके लगे और एक 11 इंच का एक लंबा टेप वर्म लिटरली उसके लीस नाम दिया था। उसका नाम मेरे डायरेक्टर ने बहुत प्यार से लुई रखा है। तो लुई द वर्म हैज बीन पार्ट ऑफ आवर। सभी ऐसे ही सभी ऐसे ही बहादुर हैं। ये जो जीतू इधर बैठे हैं, जीतू जो है जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोगों ने लॉकडाउन का एक्सपीरियंस किया शूट के वक्त। जीतू की तबीयत ऐसी खराब हुई थी कि जीतू दिन में शूट करते थे, रात को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे और फिर सुबह आते थे, शूट करते थे, फिर रात को जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे। जीतू वायरल हो गया था बहुत बुरी तरीके से और आखिरकार डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई तुझे गैप लेना चाहिए। मैं बोला नहीं हो सकता सर, सेट लगा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन्होंने मुझे बोला अगर तेरा वायरल ऐसा है कि दूसरे लोगों को भी हो सकता है तो तू ये मत कर। मतलब क्या था, मैं भूल गया हूँ उसका नाम क्या था। तो जब मेरे को ये बोला गया कि दूसरे लोगों को भी हो सकता है तो और डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, मेरी मत सुन, तू हीरानंदानी हॉस्पिटल चला जा और वहां पे जाके पूछ ले। मैं वहां पे गया तो डॉक्टर बोले कि सर प्लीज आप 1 हफ्ते के लिए एडमिट हो जाओ। मतलब हफ्ता तो कोई नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए रह सकता हूँ। तो फिर मैंने धर्म सोनी जी हमारे जो ईपी हैं, तो उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं लाइन प्रोड्यूसर हैं और उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर, तो उन्होंने बात की, बोले नहीं सर आप 3 दिन रह लो फिर अपन देखेंगे। फिर मेरे ये होने के बाद फिर एक एक आदमी बीमार पड़ता गया, हालांकि अलग अलग चीजें हुई। तो फिर ये एक्सपीरियंसेस जो मैं सुन रही हूँ ना, मुझे पता है क्या लग रहा है, जो उसके अंदर मतलब लाइक जब हम इसका ट्रेलर देखते हैं तो होता है ना कि अगर टनल खुला तो उसका कर्ज सबको मिलेगा, तो ये आप सबको ऐसा ये सब नमिता ये सब सेट पे हो रहा था। हम लोग बीमार पड़े और लॉकडाउन किया गया, शूट बंद कर दी गई कुछ दिनों के लिए इस उम्मीद में कि सब कुछ नॉर्मल होगा, और नॉर्मल हुआ और हम लोगों ने बेताल कंप्लीट की। तो हम लोग अभी यही मानते हैं कि ये लॉकडाउन भी खत्म होगा और सब कुछ नॉर्मल होगा, तो पहले से ज्यादा बेहतर होगा। इनफैक्ट सेट पे हम लोग शूट कर रहे थे। मैं ये पूछ, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए प्लीज। हाँ, सेट पे जब हम लोग शूट कर रहे थे नमिता, तो एक्शन बोलने के पहले सब कुछ रोक दिया गया, फैन को रोक दिया गया बिकॉज लाइट ऊपर से आ रही थी, और जब एक्शन बोलते थे तब वो फैन चलना शुरू होता था। ठीक उसी जगह पे आके रुकता, हाँ ठीक उसी जगह पे आके रुकता था जहाँ पे लाइट कट हो जाए एक्टर्स के चेहरे। क्या बात है। और हर बार कोशिश करके देखी गई कि नॉर्मल जब है सब बातचीत कर रहे हैं तो फैन रुका रहता था। ये फैन है अभी देखो, ये रुका हुआ है, जैसे रोल कैमरा एक्शन एक्शन। क्या बात है, ऐसा। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन खुलने पे आप सब सबसे पहले क्या करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम यू विनीत। मैं सबसे पहले ग्राउंड में जाऊंगा और जी भर के दौड़ूंगा, जी भर के दौड़ूंगा और बहुत सारे जितने पेड़ पौधे सबको टच करूंगा, उन्हें देखूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। हम सारे बैठ नहीं पाए हैं, बेताल का प्रीमियर नहीं हो पाया है, तो उम्मीद करते हैं हम लोगों की ये पार्टी ड्यू है, तो वो पार्टी मिलेगी और हम सारे इकट्ठे होंगे, और इस बिकॉज ये हम लोगों के साथ लाइफ टाइम रहेगी ये फीलिंग। तो इसे हम लोग खोना नहीं चाहते। वायरस ने हमसे छीन लिया है, लेकिन हम नॉर्मल होने के बाद वायरस से अपना ये मोमेंट छीनेंगे। क्या बात है। अहाना, what you will do सबसे पहले? I think after the lockdown gets over, I definitely want a family get together. मुझे definitely अपनी family के साथ एक मील खानी है, जो मैं खाने के लिए तरस गई हूँ, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे से इतना दूर कभी नहीं रहे हैं, and वो मैं काफी मिस करती हूँ सबको। तो सबसे पहले वो, सेकेंडली जो विनीत ने कहा उसको मैं सेकेंड करूंगी। आई एम रनर, और मुझे भागने का और मेरी बहन को भागने का बहुत शौक है, तो डेफिनेटली मैदान में जाके एक बार भागना है। नहीं, घर से नहीं भागना है। बेताल से भी बहुत भागे हैं हम लोग, बहुत भागे हैं हम लोग, दोनों बेताल में बहुत भागे हैं। यू कैन रन, यू कांट हाइड। एग्जैक्टली। जितेंद्र क्या करेंगे? एंड डेफिनेटली हमारी एक स्क्रीनिंग एक साथ होनी चाहिए एज अ यूनिट। मैं जो है, मैं लॉकडाउन खुलते ही मैं पहली चीज ये करूंगा कि मेरे पवई पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों से सबसे मिलूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और वहीं से डायरेक्टली मैं जाऊंगा मेरे दोस्त निखिल महाजन से मिलने, फिर मेरा दोस्त शैलेंद्र बर्वे से मिलने, मेरे जितने सारे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनको मिलने जाऊंगा, उनके साथ ढेर सारी बातें करूंगा। और फिर मेरे कुछ चहीते लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग हैं, मतलब कोई पान वाला है, पृथ्वी थिएटर के बाहर गया पंडित जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब उनका पान मिस कर रहा हूँ मैं, बहुत बहुत सारी चीजें। और फिर उसके बाद मतलब घर पे आऊंगा ही नहीं, उसके बाद किसी दोस्त के घर, या फिर मतलब कितना दिन, ये देखो ना ये लॉकडाउन ऐसा चल रहा है मेरा, क्या समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या चल रहा है अपने साथ, बताओ अभी तो। लेकिन फिर बेताल के सभी लोगों को मिलूंगा, ये सभी यार दोस्तों को, और फिर मुझे लगता है कि मैं मन्नत के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाऊंगा। क्या लगा रखा है? बहुत बढ़िया कमाल कर दिया। में क्या है जीतू? अरे ये जो है ना मेरा स्टैंड टूट गया, तो मैं ये जो फोन पे वार्तालाप हो रहा है ना, ये फोन लगा के रखा है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है नमिता। इसकी सच्चाई मुझे लगता है ये है, अब देख के समझ आए। जीतू के पाँव घर में टिकते नहीं है, ऐसे कपड़े को रोका जाता है ना कि जाए, तो वो लगा के रखा हुआ है घर वालों ने। एक्चुअली कमांड मिल रहा है कि टाइम कम कर रहे हैं, वो ऐसे ही ना रैप अप करने का भी है ना। मुझे नेटफ्लिक्स ने दिया है कि जब भी टाइम अप हो जाए तो ये दिखा दो, लॉक किया जाए, उंगली कर दो। हाँ, तो 24 तारीख के बाद सब लोग बेताल देखिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे, आपकी कॉम्प्लीमेंट्स का, और जो भी आपकी आपका जो भी ओपिनियन है उसका हम इंतजार करेंगे। और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you so much, guys, for being so wonderful. It was lovely talking to you, and all the very good luck for Betaal. Thank you, thank you, thank you. Namaskar, stay safe.